नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। आज मंगलवार है और आपको बिल्कुल छोटे 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 से उपाय बता रही हूँ जिससे आप खुश 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 हो जाएंगे। बहुत अजीब बात है लेकिन सही है, बहुत अजीब बात है लेकिन सही है। मैं आपको कितना पावरफुल, बहुत अच्छा पावरफुल उपाय बताती हूँ कि आप ऐसा करो। फिर हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, प्यारे प्यारे निर्दोष बेचारे, बोलते हैं मैडम इतना आप कड़क कब करेंगे हम, हमको तो आप छोटे छोटे उपाय बताया करो जो हम कर लें, है ना। तो जब मैं आपको छोटे छोटे उपाय बताती हूँ तो मुझे भी खुशी होती है कि इसको तो कर ही लेंगे। कुछ लोग बोलते हैं मैडम हम आपकी वीडियो देखते हैं, हम उपाय नहीं करते हैं तो भी हमारे काम होते हैं। ये आपके अंदर की पॉजिटिविटी है, आपके अंदर की पॉजिटिविटी है ना। जब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मैडम हम हमारे घर में आपका फोटो रखते हैं और सुबह उठ करके सिर्फ आपका फेस देखते हैं और फिर हम काम करते हैं, हमको सफलता मिलती है, तो मेरे फेस में कुछ नहीं है, जो है वो आपके अंदर की पॉजिटिव। तो आज आपको छोटे छोटे से उपाय बताने के लिए जा रही हूँ। मंगलवार के दिन आप इनको करो, मंगल मजबूत बनेंगे। मंगल मजबूत बनेंगे तो कोर्ट कचहरी के मामले में आपकी विजय होती रहेगी। दूसरा, कहीं पर भी लड़ाई झगड़ा होगा नहीं, होता है तो भी आपकी विजय होगी। पुलिस केस वगैरह कोई करेगा नहीं, करेगा तो भी आपकी विजय होगी। जो लोग मकान दुकान खुद का घर लेना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा उपाय है। मंगल से जुड़ी कोई भी चीज़, जैसे जो लोग आर्मी में जाना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा उपाय है, तो ज़रूर करें। सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगी कि मूंगा अवश्य धारण करें। जिनकी जन्म तारीख 9 है, 18 है, 27 है, मतलब जिनका मूलांक 9 का है, आँख बंद करके मूंगा धारण करें। मूंगा भी आपको त्रिकोण ट्राइंगल जो शेप का होता है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। मूंगा आपको धारण करना चाहिए, आपको सफलता दिलाता है। हमारे यहाँ से जो मूंगा आप मंगाते हैं वो आपको बिल्कुल करंट मिलता है, बिल्कुल करंट। और मूंगा के सिवाय भी दोस्तों एक बहुत अच्छी चीज़ है, ये है गुंजा की माला। आप देखो ये तमाम जो गुंजा की मालाएँ हैं, आप देखो इनको, ये ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इनको ऐसे ऐसे रखा जाता है, इनको अभिमंत्रित किया जाता है। ये चीज़ शत्रुओं से आपकी रक्षा करती है, आपके प्रेम प्रकरण में आपकी मदद करती है। आपका फेवरेट इंसान, आपका पसंदीदा इंसान आपके द्वारा पहनी हुई ये माला को अगर ले लेता है, पहन लेता है, तो आपका गुलाम हो जाता है। ये गुंजा की माला आप अपने पास में भी रख सकते हैं, ये आपका आपको बहुत फ़ायदा करवा सकती है। या फिर ये जो लूस गुंजाएं हैं, आप देखो इसमें हर तरह की गुंजा है, हर तरह की गुंजा है। वाइट गुंजा ये है जो शांति लाती है, गजब की शांति। जिनका मूलांक 2 का है, ये वाइट गुंजा सिर्फ अपने पास में रखने मात्र से आपको मानसिक शांति मिलती है। ये शत्रु भूत पिशाच वगैरह से आपकी रक्षा करती है। काली गुंजा है, ये शत्रुओं से भी रक्षा करती है, धन की वृद्धि करती है। ये और ये तमाम प्रकार के कोर्ट केस में आपको जिता देती है, तमाम प्रकार के पुलिस केस हो, शत्रुओं से, शत्रुओं के सामने आप जब भी जाएंगे आप देखेंगे शत्रु आपसे दूर दूर भागेगा। ये आपको हर जगह विजय दिलाती है, बहुत अच्छी चीज है, तो इसे आप रखिए। दूसरा जो छोटे छोटे उपाय मैं आपको बता रही हूँ, मंगलवार के दिन चाय में अदरक जरूर डालें। अदरक वाली चाय मंगलवार के दिन जरूर पिए। मंगलवार के दिन अपने भाई को घर में बुलाएं या भाई के घर में जाएं, भाई को कोई ना कोई चीज गिफ्ट में दें। भाई अगर आपसे खुश है तो आप देखेंगे प्रॉपर्टी के मामले में आपकी किस्मत चमकेगी। खुश है मतलब ये जरूरी नहीं कितनी बार आप बिल्कुल अच्छे होते हैं, सच्चे होते हैं, लेकिन आपके भाई है, आपकी बहन, उनको आपसे बहुत ज्यादा ईर्ष्या होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं, तो वहाँ अगर वो आपसे चिढ़ रहे हैं, जल रहे हैं, तो वो उनकी उनका मैटर है, उसमें आपका कसूर नहीं है। लेकिन आप अपनी तरफ से कोई गलत काम ना करें, जैसे भाइयों का हक मार लेना, भाइयों के पैसे दबा लेना, भाई के साथ दुश्मनी करना। अगर आप भाइयों के साथ रिलेशन आपके ख़राब करेंगे तो आपके मंगल ऑटोमेटिकली कमजोर। मंगलवार के दिन कोशिश करें लाल कलर के कपड़े पहने, इससे भी आपका मंगल मजबूत बनता है। घर में अनंत का पौधा जरूर लगाएं, अनंत का पौधा आपके मंगल को दोस्तों मजबूत बनाता है। कोई ऐसी इच्छा हो जो जल्दी, मतलब लंबे समय से राह देख रहे हैं, बहुत बहुत टाइम हो गया मैडम, होता ही नहीं है काम, जो ऐसे बोलते हैं,
आज के दिन अदरक से अदरक का टुकड़ा लेकर के जाएं या अदरक का जूस निकालें, बराबर। और जहां बरगद का पेड़ हो वहां जाकर के अदरक के जूस से अपनी इच्छा लिखें और थोड़ा सा अदरक का जूस बरगद के पेड़ पर चढ़ा दें। घी का दिया, अगरबत्ती लगा दें, काम फटाफट होगा। करके देखिए। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। जय श्री कृष्ण।